हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा कि आप लोगों के जो व्हाट्सएप पे कमेंट्स हैं अभी वैसे पेंडिंग में पड़ा है, क्योंकि हमारा फ़ोन वाला ख़राब हो चुका है। अब उसको सुधरवाएंगे, फिर उसके बाद सुधरवाने के बाद एक नया फ़ोन लेना है, तो जिस वजह से आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगना चाहता हूँ। तो आइए हम आज के इस सेशन पर बात करेंगे। IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी प्रत्येक वर्ष आती है एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो BSc एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं या फिर उसके समकक्ष में BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज, सबको समकक्ष के बराबर डिग्रियाँ हैं जो BSc एग्रीकल्चर के, तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट्री वाले फिशरीज वाले नहीं भर सकते, इसमें ऑल स्टूडेंट एलिजिबल हैं, सभी लोग उस के योग्यता को मतलब उस योग्य हैं जिनके पास BSc एग्रीकल्चर के समकक्ष योग्यताएं हैं। तो आइए, मैं सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी तो दे दिया, उसके बाद अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आपके प्री की बात पहले करते हैं थोड़े से समय में। प्री का जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें आपको नवंबर दिसंबर अभी 2 महीने पर्याप्त हैं आपके पास। पहले मैंने अक्टूबर में ही बता दिया था, अक्टूबर में वीडियो बना करके एक आपको पब्लिश कर दिया था, तो उसमें भी बताया था कि आपके पास 3 महीने, अब आपके पास मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है। मात्र आपको 2 महीने में प्रिपरेशन कर लेना है, प्री का आराम से हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ठीक 1 महीने का आपको समय मिलता है मेंस के लिए। तो अब मेंस में गलतियां जो होनी होती है वो उसको मैं अवेयर करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। मेंस में कौन सी गलती आप करते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है इंटरव्यू के लिए, और जो स्टूडेंट पिछला हमारा इंटरव्यू नहीं देखे होंगे तो आप जा करके देख लीजिएगा, आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पे या आपको आई बटन पे मिल जाएगा। क्लियर? तो कौन सी वे गलतियां जो हो जाती हैं जिनके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता या फिर रुक जाता है, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको समझ में आएगा। एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर सॉयल साइंस और आपके पैथोलॉजी जेनेटिक्स, इन सभी मेजर मुख्य विषयों पर सभी स्टूडेंट इसको मेन फोकस रखते हैं। इस पर सभी एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको फोकस करते हैं और सबकी, मेरे हिसाब से सबकी अच्छी भी होती है। पर जब मेंस का एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर सॉयल साइंस जेनेटिक्स सीटेक इत्यादि क्वेश्चनों से आपके इन सब्जेक्टों से इन विषयों से आपके बहुत ही कम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तब दिक्कत हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक वर्ष IBPS जो एग्जामिनेशन कराता है पैटर्न चेंज कर देता है। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इन छोटे छोटे में जो आपके माइनर सब्जेक्ट हो जाते हैं इन पर फोकस नॉर्मल स्टूडेंट नहीं करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट 80% नहीं करते हैं, 20% जो करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। तो आप लोग मुख्य रूपता फोकस इस समय इन माइनर सब्जेक्ट पे करिए, जिससे आपके सिलेक्शन का जो चांस है बढ़ जाएगा और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि आप इन माइनर सब्जेक्ट को, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों को, माइनर जो भी सब्जेक्ट हैं इनको आप एक सॉलिड बना दीजिए। और जो आपका इकोनॉमी हॉर्टिकल्चर, ये तो सभी लोग ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कर ले जाते हैं। और जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, जो भी योजनाएं हैं, इन सारे योजनाओं को वेबसाइट पर आप जाइए और देखिए कितना बजट पास हुआ है। क्योंकि बैंकिंग का आपका एग्जामिनेशन हो रहा है तो बजट आपका सत्र कब पास हुआ, किस डेट में हुआ, कितना हुआ, किसके लिए हुआ और कहाँ से इसका उद्गम हुआ, मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस स्टेट में आपका लागू हुआ, इन सारी योजनाओं को आप एक बार अवश्य देखिए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जो आपके मन में डाउट्स अभी रह जाता है तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम सलूशन देना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।